शिलान्यास लखनऊ से खबर आपको हम ये बता रहे हैं। कुछ ही देर में गृह मंत्री पहुंचेंगे फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का करेंगे शिलान्यास। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे लखनऊ। देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट होगा ये। देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट होगा ये, जिसका शिलान्यास थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पढ़ाई के साथ रिसर्च और ट्रेनिंग भी इस इंस्टीट्यूट में होगी। गुजरात की फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से संबद्धता है। कार्यक्रम स्थल पर भूमि पूजन की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। UPIFS इंस्टीट्यूट, फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह शिलान्यास करेंगे। थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद शिलान्यास करेंगे इंस्टीट्यूट का। काफी आधुनिक माना जा रहा है ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट। यहां पर पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च भी होगी। देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट होगा। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि भूमि पूजन का भी कार्यक्रम है, यहाँ पे भूमि पूजन किया जाएगा। यहीं पे देखिए, आप देख सकते हैं पंडित यहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं और यहीं से भूमि पूजन की शुरुआत होगी और जस्ट इसके पीछे वृक्षारोपण भी किया जाएगा। आपको साफ तौर पर बता दें कि लगभग 10:30 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। भरत सेठी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी, कौशल किशोर सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। वेदियां सज चुकी हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कार्यक्रम स्थल में लगभग सारी तैयारियां पूरी और थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे। काफी आधुनिक इंस्टीट्यूट होगा ये। यहां पर पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च भी करवाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी, कौशल किशोर भी मौजूद होंगे गृह मंत्री के साथ। कार्यक्रम स्थल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और भूमि पूजन के लिए आप देख सकते हैं यहां पर कि पूजा की भी तैयारियां की गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत शेट्टी लाइव जुड़ चुके हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, और जैसे कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं कि आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचेंगे। यहाँ पे कार्यक्रम जहाँ पर फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया जाएगा। साफ तौर पर बता दें आपको, लगभग 50 एकड़ में ये पूरा जो विश्वविद्यालय है वो बन रहा है और जो इसकी जो कॉस्टिंग है लगभग 350 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। तमाम तरीके की तैयारी यहाँ पे कर ली गई है, भूमि पूजन की भी तैयारी कर ली गई है और शिलान्यास की। आप उनके पास बड़े किसी स्तर में वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं कार्यक्रम स्थल पर और शिलान्यास करेंगे। और उसको लेकर सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे बंदोबस्त कर दिए गए, तमाम एजेंसियां हैं यहाँ पर तैनात कर दी गई। भारत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, गृह मंत्री कितनी देर में यहां पर पहुंचेंगे, उनके साथ कौन कौन मौजूद होगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल लगभग 10:30 बजे का टाइम है गृह मंत्री का पहुंचने का शुरू और तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और मंत्री उनको एयरपोर्ट लेने जाएंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे जहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है। यहाँ से सीधे कुछ ही दूरी पर हेलीपैड है, 500 मीटर की दूरी पर, वहां से सीधे कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। शिलान्यास करने के बाद भूमि पूजन करेंगे और वृक्षारोपण भी किया जाएगा। बता दें कि जो फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बन रहा है, साफ तौर पर उससे पुलिस को बहुत आसान हो जाएगा। जिस तरीके से इसमें पढ़ाई भी की जाएगी और रिसर्च भी किया जाएंगे, तमाम तरीके की आसानी होगी, क्योंकि केस लंबित रह जाते थे, विवेचना जो लंबित रह जाती थी, फॉरेंसिक जांच को लेकर, तमाम तरीके की जांच को लेकर अब उसमें आसानी देखने को मिलेगी। और ये भी बताना चाहेंगे, लगभग जो बनेगा ये लगभग इसकी लागत आएगी लगभग 350 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लागत आएगी और इसका जो काम है
वो जल्द शुरू होगा, जो एक विस्तार से और काफी तेजी से इसका काम शुरू किया जाएगा और जल्द ही ये बनकर तैयार भी होगा। जी अब भरत, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से देश का सबसे आधुनिक इंस्टीट्यूट माना जा रहा है और जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर रिसर्च भी होगा, कितनी जरूरत थी इसको हमको और इसका कितना फायदा होगा? बहुत फायदा इससे यूपी उत्तर प्रदेश की पुलिस को मिलेगा, तमाम तरीके की यहाँ पे पढ़ाई की जाएगी, कई कोर्स होंगे, सेमेस्टर्स भी आप किए जाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे पता चाहेंगे कि यहाँ पे लगभग 250 आवास भी बनेंगे और रिसर्च सेंटर भी बनेंगे। इसराइल के जो विशेषज्ञ हैं यहाँ पर यूपी पुलिस को आप ट्रेनिंग भी देंगे जिससे कि आपको इनको आसानी यूपी पुलिस के जो लोग हैं उनको आसानी से जल्दी वो ट्रेनिंग सीखेंगे। जिस तरीके से ये पूरी कवायद की जा रही है कहीं ना कहीं इससे उत्तर प्रदेश की जो पुलिसिंग है वो भी मजबूत होगी। जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं भरत, ये कब तक बन जाएगा, क्या इसको लेकर कोई ड्यूरेशन रखी गई है? देखिए अभी फिलहाल इसका शिलान्यास किया गया है और जल्दी ही इसको बनाने का प्रयास किया जाएगा कि जल्दी इसको बनाया जाए, लेकिन जो शिलान्यास है वो आज होगा और कोशिश यही रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार की जल्दी इसको बना के खड़ा किया जाए और साथ ही साथ जो दूसरे की पुलिसिंग है उसको मजबूत किया जाए। जी भरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और लगातार आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिए। जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, ये लाइव तस्वीरें थी, किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और चूंकि शिलान्यास होना है तो आप देख सकते हैं कि पूजा की तैयारियां भी कर ली गई हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह को लेने पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे जहां पर वो शिलान्यास करेंगे। ये इंस्टीट्यूट देश का सबसे आधुनिक इंस्टीट्यूट माना जा रहा है और उत्तर प्रदेश के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, यहाँ के बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होगा और उम्मीद करते हैं कि इसका काम जल्द से जल्द खत्म होगा और बच्चों को एक नई सौगात जो है वो मिलेगी। गृहमंत्री अमित शाह थोड़ी ही देर में कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम स्थल आएंगे। ये तस्वीरें हम आपको कार्यक्रम स्थल की दिखा रहे हैं, पूजा की तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं।